सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नागपुर की 5 सबसे डरावनी और सबसे भूतिया जगह, जिसे हम हॉन्टेड जगह भी कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा गूगल पे मैंने सर्च किया था और काफ़ी वीडियोज़ देखे थे। तो चलो, इसलिए फिर मैं शुरू हो गया कि चलो देखते हैं, बोला कि सही में है कि नहीं है। तो जो मेरे लिस्ट में पहली थी, वो सबसे हम उसको नंबर 5 देंगे, और वो है पारसी कब्रिस्तान। जी हाँ, हम आए हैं पारसी कब्रिस्तान में। ये सेमिनरी हिल में है, बालोद्यान जो बोलते हैं उसके अंदर में आना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे ये कब्रिस्तान में एंट्री मिलती है। और इस कब्रिस्तान के बारे में मान्यता ये है, गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बता रहा हूँ, क्योंकि अंदर श्रद्धा फैलाना अपना काम नहीं है, अपन भूतों भूतों को मानते हैं नहीं। तो गूगल पे ये लिखा है कि यहाँ पे अजीबो गरीब आवाज़ें आती है, रात को यहाँ पे आना मना है, अगर कोई यहाँ से गुजरता है तो निगेटिव शक्ति जो है वो आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करती है और फिर आपकी अटैक से मौत हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ मेरा कैमरामैन और मैं हूँ और कोई नहीं है। देखिए आप, है दिखा रहे भाई, सब दिखा, और दिखाते दिखाते हम बात करते हैं। तो जैसा कि इसके, अब पारसी लोगों का क्या है, पारसी लोगों की जो अंतिम संस्कार की जो विधि है वो नागपुर में वो बैन है, लेकिन मैं आपको उसकी रियल विधि बताता हूँ कि वो लोग ना मुर्दों को गाड़ते हैं ना मुर्दों को जलाते हैं। उनके कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा कुआं होता है, यहाँ तो मुझे कुआं कहीं दिख नहीं रहा, और वो डेड बॉडी की जो अंतिम संस्कार है वो पूरी बॉडी को सजा के तैयार करके उस कुएं के ऊपर लिटा देते हैं और फिर वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो चील, कौवे, गिदड़, कुत्ते, जंगली सुअर, वो सब आके उस बॉडी को नोचते हैं। तो आप सोचिए कि वो सिचुएशन और वो दृश्य कितना भयंकर होगा। तो चील कौवे जब चिल्लाएंगे तो उनकी शोर कितनी भयंकर होगी और वो सब मांस खाने के लिए आते हैं। ये प्रथा बाकी जगह शुरू है लेकिन हमारे नागपुर में बैन है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ना ही पड़ता है। तो ये सब गड़े हुए हैं, जैसे मुस्लिम्स में गाड़ते हैं, जैसे क्रिश्चियंस में गाड़ते हैं, वैसे पारसी लोगों में भी। ये देखिए, दूर दूर तक आप देखिए, ना बंदा है ना बंदे की जात है, सिर्फ मैं अकेला आपको यहाँ पे दिखूँगा और ये गड़े हुए आपको लोग दिखेंगे। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं अपने अगले भूतिया जगह पे। जी हाँ, ये है अमरावती हाईवे। यहाँ पे आने के लिए आपको 0 माइल से 30 किलोमीटर तक अंदर आना होता है हाईवे पे। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है, और जो मैंने गूगल पे सर्च किया कि आधी रात होते ही यहाँ पे जो लोग यहाँ से गुज़रते हैं उन्हें एक सफ़ेद कलर की परछाई बोलिए या सफ़ेद कलर की साड़ी में या कपड़ों में कोई औरत दिखाई देती है और वो अचानक उनके गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोग डर के मारे गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं तो कुछ लोग स्पीड कम कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं कि अगले वाले को बचाने के लिए। उस चक्कर में क्या होता है कि उनका एक्सीडेंट होता है और उनकी मौतें होती है। तो ऐसे एक दो हादसे नहीं हुए, ऐसे कई हादसे हुए हैं, ऐसा गूगल की रिपोर्ट है, मैं नहीं बता रहा। और जो लोग यहाँ से गुजरे हैं, जिनके ऊपर बीती है, जो जिंदा बच गए, उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई है और फिर गूगल्स में वो अपलोड की है, न्यूज़पेपर ने भी कवर किया है, काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी कवर किया है। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ खुद का नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने दूसरों से नॉलेज लिया, जो लोगों से सुना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, ये सही में भूतिया हाईवे है नहीं है, इसकी क्या है, क्या वजह है? देखो, जैसे गाड़ियाँ देख सकते हैं आप, बैक टू बैक जा ही रही है, यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ जाती रहती है। तो ये आपको भूतिया जगह लगती है, हॉन्टेड रोड लगता है कि नहीं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हो सके तो आप भी कभी यहाँ पे आके देखिए, आपको फील होता कि नहीं। मुझे तो ऐसा कुछ पर्सनली फील नहीं हुआ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपने भूतिया जगह पे। चलिए, तो हमारी अगली भूतिया जगह है शुक्रवारी तालाब। जी हाँ, ये गांधी सागर के नाम से भी फेमस है और जुम्मा तालाब के नाम से भी, शहर के बीचों बीच पाया जाता है और इसे नागपुर का दिल कहा जाता है। ये शुक्रवारी तालाब के पास से आप कई बार गुजरे होंगे अगर आप नागपुर के रहने वाले हो तो, लेकिन कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि भाई ये भी एक भूतिया जगह है। लेकिन अगर आप YouTube देखोगे या Google सर्च करोगे तो आपको टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में शुक्रवारी तालाब का नाम आएगा ही आएगा। आपको बता दूँ कि ये तालाब 275 साल पुराना है और चांद सुल्तान के ज़माने में इसे बनवाया गया था उनके द्वारा, ताकि पूरे शहर को पानी मिल सके। आज इसकी हालत देखिए, लोगों ने क्या कर दी है।
यहाँ पे कचरा वचरा पड़ा रहता है, पूजा का सामान पड़ा रहता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे अभी तक हज़ारों से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्याएँ की है। जी हाँ, तो इस वजह से लोगों की ये सोच बन गई है कि ये जो तालाब है ये एक खूनी तालाब है। मतलब अगर कोई डिप्रेशन में इसके आसपास भी कोई भटकता है तो ये तालाब खुद होकर उसको अट्रैक्ट करता है सुसाइड करने के लिए। ये लोगों का सोचना है और इसीलिए इसको भी टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में इसका नाम आया है। आपको इस बारे में क्या लगता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले भूतिया जगह की ओर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे अगले भूतिया जगह पे, हॉन्टेड जगह पे, जहाँ पे लोगों की मान्यता है और गूगल पे भी लिखा है कि यहाँ पे भूतों का बसेरा है। तो ये है, इस जगह को बोलते हैं वाड़ी हाउस। जी हाँ, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हॉन्टेड हाउस है, वाड़ी हाउस के नाम से फेमस है। तो इस घर पे एक्चुअली हुआ ये था कि एक टीनेजर लड़की, मतलब नाबालिग लड़की को ले जाके वहाँ पे उसका रेप कर दिया गया था। फिर वो जो शौक है रेप का वो झेल नहीं पाई थी और 5 महीने ज़िंदा रहने के बाद वो मर गई थी। तो अब ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे लोगों को लड़की की रोने की आवाज़ आती है और वो रास्ते के, ये जो रास्ता है रास्ते के बगल में, हमें ये रास्ता वाड़ी का है, हाँ, यहाँ से नागपुर जाता है, तो यहाँ पर वो बैठी हुई दिखती है और हेल्प मांगती है लोगों से। ऐसा लोगों की मान्यता है और जो मैंने गूगल पे पढ़ा है वही आपको बता रहा हूँ। तो इस बारे में, इस जगह के बारे में आपको पता था क्या, ये भी मुझे कमेंट में बताना। और आपको क्या लगता है कि ये भूतिया जगह है या नहीं है, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी तो वैसा यहाँ पे कुछ फीलिंग दिख नहीं रही है, लॉक लगा हुआ दिख रहा है, नहीं तो मैं वहाँ भी तोड़ के घुस गया रहता। आप लोगों को कोई डर नहीं, अंधश्रद्धा फैलाना अपना काम नहीं है। बंदर बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, देख सकते हैं आप। अब बंदर के रूप में भूत है क्या ये नहीं पता मेरे को, तो बहुत सारे यहाँ पे बंदर से देखिए। तो ऐसी मान्यता है इस भूतिया जगह के बारे में। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले भूतिया जगह पे। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके आया हूँ हमारे काउंटडाउन के सबसे नंबर वन भूतिया जगह पे, और ये हमारी आखिरी भूतिया जगह है आज के वीडियो की। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसे हम हॉन्टेड, ये पहले हॉन्टेड हाउस करके फेमस था, इसे डायन का घर भी कहा जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर वन पे आता है जिसे डायन का घर कहा जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा होटल बन गया है, ये अमरावती रोड टच पे है। यहाँ पे आने के लिए भी आपको 0 माइल से 25-30 किलोमीटर आना होता है। ये पहले पूरा खंडर हुआ करता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका रिनोवेशन किया गया और यहाँ पे एक रिहायशी रोड टच होटल बनाया गया। तो यहाँ की स्टोरी ऐसी है इस डायन के घर की, डायन हाउस की, कि यहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और वो सारे बच्चों को, नागपुर सिटी के बच्चों को, छोटे बच्चों को किडनैप किया करती थी और इसी बंगले के अंदर एक कुआं था, वो कुएं में उनको मार के फेंक दिया करती थी। ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चला और एक दिन उसका भांडा फूट गया और वो पकड़ी गई। फिर क्या था, जिनके बच्चे मारे गए और आसपास के लोगों ने, सब ने मिलकर एक घर के साथ वो बूढ़ी को जला डाला, मतलब पुलिस के पास जाने से पहले ही उन्होंने उसका गेम ओवर कर दिया। तो हुआ ये कि अभी ये काफ़ी सालों से बंद था, यहाँ पे कुछ आत्मा वात्मा वाला तो कुछ मुझे पढ़ने में आया नहीं, लेकिन वो ये कि आवाज़ें आती है सुनने में आती है, जो हर भूतिया जगह में होता है वैसा ही इस भी भूतिया जगह पे होता है, ऐसा गूगल पे लिखा है, लोगों का कहना है, यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा। तो ये है वो जगह, आप देख लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये भूतिया जगह जो मैंने आपको नागपुर की टॉप 5 भूतिया जगह बताई वो आपको पसंद आई हो। आपकी कौन सी पसंदीदा जगह है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो आपको अगर चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट में बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।